हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब? नीट के लिए अभी लगभग 30 डेज टाइम बाकी है, मतलब एक महीना बाकी है। 13 सितंबर को नीट होने का बात है, लेकिन नीट होगा क्या नहीं होगा ये तो टाइम के ऊपर ही डिपेंड करे, क्योंकि कोरोना का केस जिस तरह से बढ़ रहा है उसको देखकर तो मुझे नहीं लग रहा है नीट होने वाला है 13 सितंबर को, लेकिन टोटली वो देखा जाएगा 13 सितंबर के ऊपर, क्योंकि केसेट जो एग्जाम हुआ था, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो, उसके बाद गवर्नमेंट नीट करेगा और जेईई मेंस कंडक्ट करेगा इस महीने में, ये टोटल अनसर्टेन है। ठीक है, तो हम लोग तो ये अनसर्टेनिटी में नहीं जी सकते, हम लोगों को तो डिसीजन में आकर हम अपना प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ नीट होता नहीं, आप लोग प्रिपरेशन छोड़ के बैठ जाओ, लेकिन अगर एचआरडी मिनिस्ट्री ने कहा 13 सितंबर के एक वीक पहले कि भैया बच्चों नीट होगा, तो आप क्या करोगे? कोई क्या उपाय रहेगा? जिनका प्रिपरेशन हाई है उन लोगों का बात तो मैं छोड़ देता हूँ, इनको उनका प्रिपरेशन हाई है वो क्या करेंगे, अब छोटा छोटा करके स्टेप करके रेगुलर पढ़ेंगे, रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे, लेकिन जिनका प्रिपरेशन इंटरमीडिएट और एकदम लो है वो क्या करेंगे, उनके लिए ही भारी समस्या होगा ये 1 मंथ। तो चलिए गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अगर आपका स्कोर 200-240 आ रहा है तो उस स्कोर को कैसे आप लोग 300 प्लस में ले जा सकते हो, एंड जिनका स्कोर 290-280 आ रहा है और 270 आ रहा है उनका स्कोर कैसे 320 प्लस में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी स्ट्रेटेजी, हाउ टू स्कोर 320 प्लस इन नीट 2020। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसका बाद वाला एक सीरीज आएगा जिसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस आपको समझा दूंगा एंड बोर्ड पे करा दूंगा। तो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ दैट वीडियोस, क्योंकि वहां पर मैं टॉप 10 ऑर्गेनिक रिएक्शंस, टॉप 10 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, टॉप 10 ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, ये तीन वीडियोस लाऊंगा जो आपके 2020, 2021, 2022 को एकदम बहुत काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लास्ट 30 डेज में हम लोग ने 30 डेज को 4 सेगमेंट में डिवाइड किया है, मतलब 4 सेगमेंट में 4+1+1 सेगमेंट जो एडिशनल है, कोई भी आपका बुखार हो जाए, तबीयत खराब हो जाए तो क्या करेंगे आप, मिडिल 1 वीक छोड़ के वो 5th वीक को काउंट डाउन में ले आएंगे। ठीक है, तो पहले मैं बता देना चाहता हूँ इस टाइम पे दो तरह का स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, दो तरह के स्टूडेंट्स और दो तरह के मार्क्स आर देयर। ठीक है, कैसा हुआ, फर्स्ट जो जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, 90% 95% जिनका हो गया है, उनका स्कोर लगभग अभी आ रहा है 280, 290, 270 एक्सेट्रा, सो ऑब्वियसली दे आर डूइंग वेरी मच वेल, क्योंकि अगर आपका इसमें मतलब मॉक टेस्ट में 280-290 मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग ये निश्चित रहो कि आप लोग अगर आपका प्रैक्टिस कंटिन्यू करते जाओ तो आप ऑब्वियसली नीट में 320 प्लस स्कोर करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो इंटरमीडिएट्स हैं, जो एकदम लोअर लेवल के हैं, मतलब जिनका स्कोर 190, 180, 200 आ रहा है बायोलॉजी में, वो लोग क्या करेंगे? तो स्ट्रैटेजी जो मैं बताने जा रहा हूँ एकदम समझ के, ये 4 वीक स्ट्रैटेजी को मेंटेन अगर आप करो तब आप ऑब्वियसली बहुत, एक पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था 3C फॉर्मूला, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट, ये तीन चीज़ों से आपको ये 4 वीक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आंख बंद कर ये 4 वीक स्ट्रैटेजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट वीक में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग पढ़ेंगे जो रटने का चैप्टर्स है, क्यों भैया रटने का चैप्टर्स तो हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, लेकिन ये फर्स्ट में क्यों पढ़ेंगे हम? आप लोग ये सोचो, देखो फर्स्ट में आप लोगों का दिमाग में बहुत सारे जगह एकदम ब्लैंक है, मतलब अगर आप अभी कुछ रटना चाहो तो रट सकते हो, अब टेंशन थोड़ा सा लेस है, लेकिन अगर आप ये रटने का सब्जेक्ट्स को, रटने का चैप्टर्स को लास्ट में करो, मतलब 5th वीक में और 4th वीक में, आपका इतना टेंशन रहेगा, इतना टेंशन लेवल हाई रहेगा कि आप लोग रट ही नहीं पाओगे, आप लोग शांति से पढ़ ही नहीं पाओगे। तो फर्स्ट वीक में आपको रटने वाला चैप्टर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि है फर्स्ट वन इज फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड एनहांसमेंट जो होता है ना, करन स्विस, करन फ्राइज, जो सेमी ड्वार्फ डॉग वैरायटी। सेकंड वन इज एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर एक चैप्टर है ना, जहाँ पर आप लोग जानते हो डिफरेंट टाइप का राइस का जो क्रॉप होता है, क्रॉप कल्टिवेशन कैसे होता है, तो एग्रीकल्चरल जो चैप्टर है, एग्रीकल्चर चैप्टर मतलब जहाँ पर आप लोग पढ़ते हो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉन्ग इस बारे में। ठीक है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन करा जाता है, कैसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं, कैसे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं एंड इम्प्रूवमेंट करते हैं, ये सारा टॉपिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। फूड एनहांसमेंट हो गया, सेकंड वन
एग्रीकल्चर हो गया, थर्ड वन माइक्रोब्स, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी रटने का चीज है। एक क्वेश्चन आता है साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो बैक्टीरिया से प्रेजेंट होता है, साइट्रिक एसिड कहाँ से प्रेजेंट होता है, ईस्ट, ये एक ही क्वेश्चन आपका रिपीट होता है हर एक साल में। ये 30 डेज के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा जिसके अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। ये थर्ड हो गया। फोर्थ इकोलॉजी, जो रटना ही पड़ेगा आपको, लेकिन आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इकोलॉजी तो रटने का चीज है, नहीं पढ़ूंगा, छोड़ देता हूँ, और दो तीन क्वेश्चन आ जाएंगे और कोई बात नहीं। लेकिन भाई मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, इकोलॉजी से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इकोलॉजी इज ए रटने का चीज, मतलब इकोलॉजी को आपको रटना ही पड़ेगा, लेकिन इकोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू नो, ओके। वहां पर जो कार्व्स होते हैं, जो एक एक टाइप का नेशनल पार्क होता है, प्रिजर्वेशन, टाइगर प्रिजर्वेशन, लायन प्रिजर्वेशन, ये आपको रटना ही रटना पड़ेगा। बाद में एमसीक्यू सीरीज में मैं और भी डिटेल्स में आपको डिस्कस कर दूंगा ये सब चीज, ठीक है। फर्स्ट वीक में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हो गया 4 चैप्टर्स। 5 नंबर चैप्टर कौन सा है? लिविंग वर्ल्ड। क्यों? लिविंग वर्ल्ड एक बहुत लंबा, बहुत लेंदी चैप्टर है जो पढ़ने में मोनोटोनस फील होता है, मोनोटोनी चला आता है। लेकिन आप अगर ये फर्स्ट वीक में फूड प्रोडक्शन, जो आपको एक दिन लगेगा पढ़ने में, एग्रीकल्चर दो एक दिन लगेगा पढ़ने में, माइक्रोब्स एक दिन लगेगा पढ़ने में, मतलब 3 दिन हो गया। एंड वीक में कितना डेज बाकी है? 4 डेज बाकी है। 2 दिन लगेगा इकोलॉजी को कंप्लीट करने में, एंड 2 दिन लगेगा क्या लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट करने में। तो फर्स्ट वीक में आपका एंटायर ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा। और एक एक पोर्शन जब आप कंप्लीट करोगे, एक एक चैप्टर जब आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन रिपीट होंगे, होना ही चाहिए, एंड ऑब्वियसली होंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्लान। सेकेंड वीक को जो आपको करना पड़ेगा, प्लांट का हर एक चीज कर डालो, क्योंकि अभी भी आपका दिमाग फ्रेश है, अभी भी स्ट्रेस नहीं आया है। देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी समझने का चीज है, रटने का नहीं। आप अगर सेल पढ़ो वो समझने का है, रटने का नहीं। आप लोग जेनेटिक्स पढ़ोगे, रटने का नहीं, समझने का है। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे, रटने का नहीं, समझने का है। ये चैप्टर्स, ये जो चैप्टर्स मैंने बताया है, ये हर एक चैप्टर समझने का है, रटने का नहीं। तो ये सब चैप्टर्स आपको लास्ट में पढ़ना पड़ेगा, लास्ट 2 वीक्स और 3 वीक्स में। क्यों? तब आपका प्रेशर एकदम पीक पे रहेगा, दिमाग में कॉर्टिसोल सीक्रेट होंगे फुल बॉडी में, तब अगर आप रटना भी चाहो तो रट नहीं पाओगे, तो तब आपको यह चैप्टर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड वीक प्लांट में मैं बता रहा हूँ, इसलिए प्लांट, प्लांट एनाटोमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम एंड प्लांट फिजियोलॉजी, जो हर एक चीज है रटने का, रट्टा मारने का चीज है, जो वो आपको रट लेना होगा सेकेंड वीक में भी। और एक एक चैप्टर, मतलब प्लांट एनाटोमी हो गया तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो, प्लांट किंगडम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व, एंड प्लांट फिजियोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेना होगा आपको एक एक चैप्टर करने के बाद। मैक्सिमम आपको एक वीक में ही, मतलब 8 to 15 अगस्त के अंदर आप लोग प्लांट एनाटॉमी, प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी, एंटायर प्लांट सिस्टम कंप्लीट कर लो थर्ड वीक में, जहां से आपका प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट होगा। 15 to 22 अगस्त से आपका प्रेशर बिल्डअप होना स्टार्ट होगा। यहाँ पर थर्ड वीक में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, अब जब प्रेशर बिल्डअप स्टार्ट होगा तब आप लोग रटने का चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे, तब आप लोग पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्या पढ़ना स्टार्ट करोगे, समझने का चैप्टर जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी एंटायर थर्ड वीक में आपको कंप्लीट करना होगा। आई थिंक एक एक चैप्टर को अगर आप लेके बैठो तो 2 से 3 आवर लगेगा कंप्लीट करने में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने में लगेगा ये 30 मिनट्स टू 1 आवर। तो 4 घंटे के अंदर एक चैप्टर आपको एवरेज कंप्लीट हो जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। तो थर्ड वीक में ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, प्लांट रिप्रोडक्शन, ये आपको कंप्लीट करना होगा। क्योंकि आप लोगों को देखो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कभी भी मत करना कोई एक चैप्टर छोड़ के आप लोग नीट देने जाओ, क्योंकि एक चैप्टर अगर आप छोड़ जाओगे तो उस चैप्टर से इतना आसान सा क्वेश्चन आएगा कि वो क्वेश्चन जब आप अटेंड नहीं कर पाओगे ना तो उससे ज्यादा बुरा किसी में भी नहीं लगेगा। ये बात को समझो, अगर ऐसे इजी क्वेश्चन आए जो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा उससे, ठीक है, मैं सोच रहा हूं आपने माइक्रोब्स नहीं पढ़ा लेकिन उससे इतना आसान सा क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप लोग वहां पर कोसोगे खुद को, और उस टाइम जो आपका डिप्रेशन आएगा उससे आपका बाकी एग्जाम भी खराब हो जाएगा। तो एक भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, जितना भी अगर आप लोग 2 से 3 पेज पढ़ोगे तो वही पढ़ के जाना, लेकिन छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं ये चीज को, ठीक है।
ये थर्ड वीक का फोर्थ वीक में बहुत आसान सा चैप्टर से जो चैप्टर्स आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं क्या जेनेटिक्स मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स, सेकंड वन इज बायोटेक्नोलॉजी, थर्ड वन इज मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड फोर्थ वन इज एवोल्यूशन। एकदम समझने का चैप्टर है, इसमें कोई रटने वाला पार्ट नहीं है, ये समझ के जल्दी कंप्लीट करके आप लोग को 3 to 4 hours लगेंगे एक एक चैप्टर कंप्लीट करने में, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया फोर्थ वीक में आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपका टोटल जेनेटिक्स मतलब डीएनए वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गया है, तो 4 weeks में आपका एंटायर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 4 weeks में जब आप एंटायर सिलेबस कंप्लीट करोगे, आप लोग एनसीईआरटी ही पढ़ोगे, कोट एंड कोट फिर से कह रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ोगे, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ोगे। एनसीईआरटी पढ़ने के वक्त आपको क्या करना होगा, एनसीईआरटी का जो साइड में ब्लैंक स्पेस है उसमें शॉर्ट नोट बनाना होगा, एंड आपका एक सेपरेट करके एक एक सब्जेक्ट के लिए एक एक नोटबुक होगा जिसके अंदर आप लोग एनसीईआरटी का एकदम क्रिस्प करके लिख लोगे, फुल एनसीईआरटी को क्रिस्प करके। अगर मैं सोचता हूँ कुछ इस तरह से कि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा है एमआरएनए, डीएनए से एमआरएनए प्रिपेयर होता है और एमआरएनए 3 types का होता है, तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को एकदम नोटबुक में लिखना पड़ेगा डीएनए एरो एमआरएनए, डीएनए एरो एमआरएनए प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, एंड एमआरएनए जो होता है वहां से एरो निकल के आरएनए, 3 types of RNA, एमआरएनए टीआरएनए आरआरएनए, mRNA, tRNA, rRNA के अंदर उनका परसेंटेज कौन सा RNA ज्यादा रहता है सेल में, कौन सा कम रहता है, ये आपको लिख लेना होगा उसी वक्त उस नोटबुक में, ताकि आप लोग जब एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो उससे पहले रिवाइज करने के लिए। और ये अगर आप लोग करते जाओ तो आपका जो साइनएप्स होंगे एकदम फास्ट काम करेंगे, तो आप लोग एक चैप्टर से और एक चैप्टर में जंप कर सकते हो, एंड इजीली वो जो मेमोरी होगा वो सस्टेनेबल मेमोरी होगा, ठीक है, ये पॉइंट को आपको याद रखना होगा। एंड लास्ट जो फिफ्थ वीक है, फिफ्थ वीक मतलब 29th to 10th, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 4 weeks में आपने नोट बनाया है शॉर्ट करके शॉर्ट नोट, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा टोटली रिवाइज करके आपको बंद करना होगा। 10th अगर 13th को एग्जाम हो तो 11th 12th में 2 exams दो फुल एग्जाम, 12th में रात को रेस्ट करो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। अगर आप मेरा टोटल जो मैंने बताया ये फॉलो करते जाओ तो कोई भी आपको रोक नहीं सकेगा 320 प्लस अबव स्कोर करने के लिए, ठीक है, नो वन कैन स्टॉप यू टू स्कोर 320 प्लस इन बायोलॉजी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, एंड ऑब्वियसली मैं नोट्स भेज दूंगा मेरे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में, सो गाइस प्लीज ज्वाइन दोस ग्रुप्स, ओके। आप लोग मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर मैं नोट्स भेज दूंगा, ओके। तो आज सिर्फ इतना ही, एट लास्ट वन थिंग टू से गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दो, ज्यादा वीडियोस मत देखो, ज्यादा कुछ नहीं देखो, जिनको फॉलो करते हो उनका वीडियोस देखो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो मेरा वीडियोस देखो, जिन्हें फॉलो करते हो आप लोग उनका वीडियोस देखो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो वीडियो देख देख कर, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही, एंड ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल।